हाय फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ गुजराती दाल की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल जितनी तुअर की दाल ली है, तो जितनी क्वांटिटी हमें दाल बनानी हो उस हिसाब से ये दाल लेनी है। तो एक साइड पर कुकर में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अभी गर्म पानी से ही दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे। बाद में इसमें मैंने पानी में मूंगफली के दाने और एक टमाटर काट कर ले लिया है, और बाद में तुअर दाल को इसमें ऐड कर लिया था। अब 5-6 सीटी आने तक इसे अच्छे से हम पका लेंगे। अगर टाइम हो तो दाल को हम पहले से ही 1-2 घंटे भिगो कर बाद में इसे हम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिना भिगोए ही दाल को यूज़ किया है। अब इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है 1 चम्मच और ये 1 चम्मच अदरक को क्रश करके ऐड करेंगे, और थोड़ा खट्टा टेस्ट के लिए। यहाँ पर मैंने इमली को पहले ही सोख करके रख लिया था। अब इसका पानी इसमें ऐड कर लेंगे, अच्छे से स्क्वीज करके इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें अदरक का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपको इस अब इसे हम अच्छी तरह से दाल को मिक्स कर लेंगे और इसमें टमाटर भी अच्छे से मैश हो जाता है और दाल एकदम मिक्स हो जाती है। तो इस तरह से हम दाल को मिक्स कर लेंगे। इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही करते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखो अब ये एकदम अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो गई है, और इसे मैंने 7-8 मिनट के लिए उबाला भी है ताकि सारे मसाले का फ्लेवर इसमें आ जाए। अब इसे तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पर तड़का पैन में ऑयल लिया है 1 चम्मच। इसमें राई ऐड करेंगे और सूखी लाल मिर्च पहले ही ऐड कर ली थी, बाद में जीरा ऐड करेंगे और ये 1 पिंच जितना हम हींग ऐड करेंगे। इसमें मैंने ऐड किया है करी लीव्स, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तड़के में। तो इसे अब दाल में हम तड़का ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी दाल बनकर तैयार हो जाती है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा खट्टा मीठा और तीखा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर यहाँ पर आप गुड़ की जगह चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। गर्मा गर्म इसे राइस के साथ हम सर्व करेंगे। तो आप इसे अचार के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। और नींबू इसमें और खट्टा पसंद हो तो नींबू भी ऐड कर सकते हो। तो ये हमारी दाल बनकर तैयार है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।